these all departments are the center of corruption. पूरी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं, ऐसे हम कई बार दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। अस्पतालों में नकली दवाइयों का मामला हो, मोहल्ला क्लिनिक में जो नकली टेस्ट हुए उसका विषय हो, और एलएनजेपी हॉस्पिटल में जिस तरह से एक ब्लॉक बनना है और उसका जो एस्केलेशन हुआ है 670 करोड़ का, वो अपने आप में बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र है। लेकिन उनके मंत्री जो जिम्मेदारी से भागते हैं और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने काम की इतिश्री कर लेते हैं, हर बार नया घोटाला आने पर अपना पल्ला झाड़ते हुए वो सरकारी विभाग के अधिकारियों की तरफ उंगली उठा देते हैं। और हम बार बार इस बात पे दोहरा रहे हैं कि अगर सरकारी विभाग के अधिकारी दोषी हैं तो आप मंत्री के नाते कर क्या रहे हैं? आपका काम सिर्फ सुविधाएं लेना है, भत्ते लेना है, आपकी नाक के नीचे चोरी होती है, भ्रष्टाचार होती है, और आप आंखें मूंद के बैठे रहते हैं। क्या कारण है कि अस्पतालों में नकली दवाइयां दी जाती हैं? क्या कारण है कि मोहल्ला क्लिनिक, जिसे आप अपना सबसे बड़ा मॉडल बताते हैं, एक ही नंबर पे हजारों टेस्ट हो जाते हैं और वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, और उन टेस्ट रिपोर्ट्स के बदले में किकबैक लिया जाता है? जितने भी इनके हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें देरी का कारण सिर्फ भ्रष्टाचार है। समय अवधि के अंदर काम पूरा नहीं करते, जानबूझ के चीजों को डिले करते हैं, फाइलों को डिले करते हैं, और उसके बाद उसकी चार्जेस बढ़ाई जाते हैं और उसमें किकबैक लिया जाता है, जिसको लेकर विजेंद्र जी ने एक बड़ी विस्तृत शिकायत एसीबी में की थी, और मुझे खुशी है इस बात की कि जांच एजेंसी ने उस पर कॉग्निजेंस लिया है, ब्यूरो ने। और निस्संदेह जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सौरभ भारद्वाज हो या बाकी जो भी इसमें संलिप्त अधिकारी हों, उन्हें सब पे शिकंजा कसा जाएगा। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार, लूटना और दिल्ली की जनता